अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मुझे आज एक ऑर्डर था मेरे पास, उनको 20 डब्बे चाहिए थे बिरयानी के। तो मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर करते हैं कि आपको भी अंदाज़ा हो कि अगर आपने 20 बॉक्सेस बनाने हैं किसी भी इवेंट के लिए, किसी में बांटने के लिए, तो वो आपको कितने राइस चाहिए होंगे। तो यहाँ पे 5 किलो की आप क्वांटिटी रखेंगे तो कम से कम भी 5 किलो जो चावल हैं वो आपके 20 बॉक्सेस में आएंगे। तो मैंने 2.5 किलो चावल लिए और 2.5 किलो ही चिकन लिया था। तो यहाँ पे मैंने चावल लिए थे, सेला चावल लिए थे, उनको कम से कम भी मैंने 1.5 घंटा पहले भिगो दिया था। 1.5 घंटा भिगोने के बाद मैंने पानी रखा और उसके अंदर मैंने ऑयल 2 बड़े खाने के चम्मच डाले, उसके अंदर मैंने करी पत्ता डाला, उसके अंदर मैंने जो है बड़ी इलायची 2 से 3 अदद, बादियान के फूल जो है वो भी 2-3 अदद डाले थे, और 2 इंच की दालचीनी जो है वो भी मैंने इसमें डाल दी थी और पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब जैसे ही पानी हमारा बॉईल होने के लिए होना शुरू होगा तो फिर हम इसमें अपने भीगे हुए चावल जो है वो इसमें डाल देंगे। तो 2 हरी इलायची भी इसमें ज़रूर डाल दीजिएगा और 2 बड़े खाने के चम्मच आपने नमक भी ज़रूर डालना है, क्योंकि अगर हम जर्दे के लिए डालेंगे तो फिर नमक इस्तेमाल नहीं होता बॉईल का, आपको पता होगा। और जैसे अगर हम बिरयानी के लिए करते हैं तो हम उसमें ज़रूर नमक डालते हैं। तो यहाँ पे पानी को बॉईल आ चुका था और हमने भीगे हुए चावल जो है उनसे पानी निकाल के हमने उनको बॉईल होने के लिए रख दिया। अब जितनी देर में चावल बॉईल होते हैं हम दूसरी साइड पे अपना कोरमा जो है उसको तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा पतीला लिया और उसके अंदर मैंने 50-50 ग्राम लहसुन अदरक की पेस्ट जो है वो मैंने ली और उसको ग्राइंड करके उसकी पेस्ट बना ली और उसको ब्राउन होने दिया। और ये भी मैंने आपको बताती चलूँ कि ये भी मैं देगी स्टाइल से बना रही हूँ और यार ये भी मैं घी में ही बना रही हूँ। घी ऑप्शनल है, आप जिस मर्ज़ी ब्रांड का जिसका भी यूज़ करते हो आप लें। अगर वाकई आप देगी अगर आप देगी टेस्ट चाह रहे हैं तो उसका सबसे पहले आपने उसको घी में ही बनाना है। ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन उसका वो वाला मज़ा नहीं आता बिरयानी का जो घी के अंदर आता है। खैर यहाँ पे जो है हमारी पेस्ट जो लहसुन अदरक ब्राउन हो चुके हैं तो चिकन जो है वो जी, तो जैसे ही हमारा जो है लहसुन अदरक ब्राउन हुआ तो हमने यहाँ पे चिकन ऐड कर दिया था और उसको हमने कवर करके रख दिया ताकि चिकन जो है वो थोड़ा अच्छी तरह गल भी जाए और उसका पानी भी ड्राई हो जाए और उसके कलर भी चेंज हो जाए। तो हमने यहाँ से 7 से 8 मिनट के लिए चिकन जो है उसको कवर करना है और जैसे ही वो उसका कलर चेंज होगा, पानी तकरीबन देखिए ड्राई होने लग गया है, और हम उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जैसे ही पानी जो है वो ड्राई होगा, उसका कलर चेंज कर लिया, तो अब हम इसमें अपने बाकी मसाला जात जो है उनको 1 बाय 1 डालना शुरू करते हैं। तो चिकन को आपने इसी तरीके से एक दफ़ा फ्राई ज़रूर कर लेना है क्योंकि उससे फिर बोटियाँ टूटती नहीं हैं। और चिकन की बोटियाँ बहुत ज़्यादा छोटी मत कराइएगा क्योंकि बिरयानी की बोटी थोड़ी सी बड़ी ही होती है। खैर यहाँ पर तकरीबन हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका था, तकरीबन गल चुका था। तो मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर लिया और 1 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाल दिया। आप साबुत ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने भून के ग्राइंड करके रखा हुआ था तो मैंने वही उसको ऐड कर दिया। और यहाँ मैंने बिरयानी मसाला जो है वो 2 से 2.5 खाने के चम्मच इसमें ऐड किया था। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं बिरयानी मसाला ख़ुद बनाती हूँ और वही इस्तेमाल करती हूँ। और इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बहुत ज़्यादा पैकेट 2-3 पैकेट नहीं डालती, सिर्फ 1 से 2 खाने के चम्मच उसकी खुशबू के लिए ही जाते हैं। बाकी मैं सारे मसाले जो हैं वो सिंपल मसाले जाते हैं। यहाँ दादी भी मिर्च है, मैंने 1.5 खाने के चम्मच जो है दादी भी मिर्च डाली थी और 1 खाने के चम्मच मैंने ये इसमें अंदर धनिया पाउडर डाला था और 1 खाने के चम्मच बराबर ही मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला था। और इसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स जो है वो मिक्स कर दिया। इसको मिक्स कर दिया, यहाँ पे आप चाहे तो नमक ऐड कर सकते हैं और चाहे थोड़ी देर बाद कर दें, लेकिन क्योंकि मैं चिकन को नमक लगा के रखती हूँ, जब भी आपने राइस बनाना तो वॉश करने के बाद चिकन को थोड़ी देर नमक लगा के रख दिया करें, उससे बहुत ही सा चिकन के अंदर नमक रच जाता है, चिकन की बुटियाँ फीकी नहीं रहती। तो इस यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया और जैसे ही मसाला जो है वो ब्राउन हो गया और उसने अपनी शक्ल पकड़ ली तो यहाँ पे मैंने हल्दी यहाँ पे इमली
और आलू बुखारा मैंने 100 ग्राम डिप किया हुआ था, तो वो मैंने पानी उसका उसके अंदर ऐड कर दिया। और काली मिर्चें साबित जो हैं, आप समझे कि 25 ग्राम मेरे पास साबित काली मिर्चें थी जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। और यहाँ पे मेरे पास 100 ग्राम जो है वो टमाटर थे, 100 ग्राम टमाटर की पेस्ट थी जो मैंने इसके अंदर डाली। और साथ ही इसके अंदर मैंने 100 ग्राम ही मेरे पास जो है वो हरी मिर्चें थी जिसको मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना ली थी। और इसके बाद उनको मिक्स करके मैंने कवर होने के लिए 15 15 मिनट के लिए रख दिया। और जैसे ही हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है और सारे मसाले उसके अंदर रख चुके हैं, तो यहाँ पे अब हम इसके अंदर जो है ये डालेंगे ज़रदा रंग। आप यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कश्मीरी लाल मिर्च नहीं, मेरे पास ऑप्शनल में आप ज़रदा रंग था और ज़रदे रंग से बहुत प्यारा कलर आता है, या आप ऑप्शनल पे आप जो भी डालना चाहें, लेकिन मुझे ज़रदा रंग ज़्यादा मज़े का लगता है। इसके अंदर ज़रदा कलर से बिल्कुल कमर्शियल वाला देखिए कलर आ गया, तो आप वो इसके अंदर एक खाने के चम्मच ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैंने उसको जर्दे रंग को ऐड किया और कैटकिन में उसको कवर करके रख दिया। फिर 2 4 मिनट कवर करने के बाद अब मैं इसके अंदर जो दही है उसको, 250 ग्राम मेरे पास दही था उसको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था, फेंट लिया था, तो आँच हल्की की, और उसके अंदर मैंने जो कोरमा है उसके अंदर मैंने दही डाल दिया। और हल्की आंच पे, आप दही जब भी डालें तो हल्की आंच पे डालें, तेज़ आंच पे डालेंगे तो हंडिया के अंदर जो भी आप कोरमा सालन कुछ भी बनाती हैं तो उसके अंदर फुटकड़ियाँ बन जाती हैं, उसकी उसकी बड़ी बड़ी गुठलियाँ बन जाती हैं, तो आपकी अच्छे भले जो सालन है उसकी शक्ल ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हमेशा दही जब भी डालें चूल्हे की आँच को आहिस्ता कर लें और उसको पकने दें। और यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी 2 बड़े खाने के चम्मच डाले, और ब्राउन प्याज चाहे आप मार्केट वाली इस्तेमाल कर लें, चाहे आप घर में फ्राई करके रख लें और आप इसके अंदर वो डाल दें। ब्राउन प्याज से ये होता है कि आपके कोरमे की शक्ल बहुत गाढ़ी हो जाती है। और यहाँ पे हमारा जो तकरीबन कोरमा है बिरयानी का, वो हमारा तैयार हो चुका है। और यहाँ पे ये आपको टिप देती जाऊँ कि ये देखें जो कोरमे के ऊपर ऑयल था वो आपने ज़ाया नहीं करना। आपने जब बिरयानी की तह लगानी है तो आपने 2 खाने के चम्मच उसमें से निकाल के, ऊपर से घी निकाल के आपने उसकी बेस पे लगा लेना है। इससे क्या होगा, जब आप दम देते हैं तो आपकी कभी भी जो है ना बिरयानी नीचे नहीं लगती। और दूसरा ये कि यहाँ पे अगर मेरे मसालों का कलर बिल्कुल ठीक था, मतलब उसके अंदर बहुत अच्छा मसाला था कि मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर यहाँ पे आपको लगे कि आपकी बिरयानी में नमक मिर्च या टेस्ट कम है, तो फीकी लग रही है, तो आप इस वक्त जब आप तह लगाते हैं तो यहाँ पे आप चावलों के ऊपर बिरयानी के 1 से 2 खाने के चम्मच आप उसके अंदर डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके बिरयानी के अंदर अगर स्पाइसेस कम हैं और टेस्ट हल्का फीका आ रहा है तो वो यहाँ पे आपकी बैलेंस हो सकता है। खैर यहाँ पे हम फटाफट जो है इसकी तह लगा रहे थे, और ये देखिए मेरी बिरयानी की 2 से 3 तहें जो हैं वो ऑलरेडी लग चुकी हैं जी। तो बिरयानी की यहाँ पे हमारी तह लग चुकी है, और यहाँ पे मैंने ज़रदा रंग, आपके पास जो भी कलर्स अवेलेबल हो, ऑरेंज येलो रेड जो भी हो, तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देते हैं, बिरयानी की शक्ल ही बदल जाती है। ये देखें कितनी अच्छी, अब हम इसको दम पे रखेंगे, और दम पे रखने के लिए हमने इसके ऊपर धनिया जो है वो मैंने बारीक कटिंग कर लिया था, पुदीना थोड़ा सा था इसको मिक्स कटिंग करके वॉश करके रख लिया था, और इसके बाद इसको बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर मैंने 20 मिनट के लिए दम पे रखा। और ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त थी, अकेली अकेली सी बिरयानी है, एक एक चावल खिला खिला सा और ज़बरदस्त अकेला अकेला चावल है। और चलें अब मैं आपको जो है ना इसकी प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ कि हमने किस तरीके से इनको बॉक्सेस में डाला और इनको फिल करके हमने जो है अपना ऑर्डर कंप्लीट किया। और यहाँ पे देखिए आप क्वांटिटी, आपने चावल जो है यहाँ पे इसके अंदर मैंने डाले, और माशाल्लाह क्योंकि चिकन की क्वांटिटी बराबर थी तो हर बॉक्सेस में तकरीबन दो दो मैंने बोटियाँ जो है इसके अंदर डाली थी, ताकि क्योंकि अल्लाह के नाम पे जा रहे थे तो आपको जो है वो इसमें खुद भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जब देने वाला नहीं कर रहा तो जिसने बना के देने हैं उसको क्या ज़रूरत है कि वो भी अपना जो है हलाल रिस्क ख़राब करें। अगर आप वैसे इसका एस्टीमेट लगाएं तो अगर आपने एक बॉक्स सेल करना है तो 350 में जो है आप एक बॉक्स माशाल्लाह अच्छी बचत के साथ आप सेल कर सकते हैं।
और 350 अगर आप अपना एक उसका बॉक्स रखें, प्लेट रखें, तो आपको माशाल्लाह बहुत अच्छी बचत इसमें हो जाती है। तो खैर यहाँ पे मैंने अपने 20 बॉक्सेस जो हैं वो कंप्लीट किए, और बिरयानी की आप लोग देखें देखिए बिल्कुल इसका टेस्ट जो है देगी बिरयानी वाला बना है, और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त थी और इसकी शक्ल भी बहुत ही प्यारी थी। तो यहाँ पे हमारी जो है बिरयानी वो कंप्लीट हुई और हमने अपना ऑर्डर जो कंप्लीट किया, और ये एक बॉक्स आप 350 में इजीली सेल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी नई वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।